आज हम चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चैप्टर हमने पहले लास्ट क्लास में खत्म कर लिया था, आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस एफर्ट्स मेड बाय स्कॉलर्स टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ सिटी एंड एम्पायर फ्रॉम द रूइंस ऑफ हम्पी। तो इनको जो है क्या क्या सोर्सेस मिले हम्पी में, जिससे इन्होंने जो है पूरी वहाँ की हिस्ट्री जानी। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 170 पे आना है, डिस्कवरी ऑफ हम्पी। यहाँ पे पूरा पैराग्राफ इसका आंसर है। द रुइंस एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 बाय कॉलन मैकेंजी एंड ही वॉज वर्किंग इन ईस्ट इंडिया कंपनी। उसकी जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी वहाँ के पंडितों से हुई, पंपा देवी के मंदिर के। उसके बाद वहाँ पे बहुत फोटोग्राफर्स वगैरह आए, उन्होंने मॉन्यूमेंट्स की फोटोग्राफ ली, उसके ऊपर स्टडी करा। फिर बहुत सारे एपिग्राफिस्ट गए वहाँ पर, उन्होंने इंस्क्रिप्शंस को स्टडी करा, जिसके थ्रू हम जो है आपकी विजयनगर एम्पायर की हिस्ट्री को कनेक्ट कर पाए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पेज नंबर 170, डिस्कवरी ऑफ हम्पी का फर्स्ट पैराग्राफ पूरा। और करके सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई हैव बीन द मेथड टू स्टडी द रुइन ऑफ हम्पी ओवर द, व्हाई नहीं है ये व्हाट है, व्हाट हैज बीन द मेथड्स टू स्टडी द रुइंस ऑफ हम्पी ओवर द लास्ट 2 सेंचुरीज, क्या क्या मेथड रहे हैं। और उसके बाद विरूपाक्ष टेम्पल के मंदिरों लोगों ने, पंडितों ने क्या इन्फॉर्मेशन दी, उसके अंदर भी आपको यही लिखना है, डिस्कवरी ऑफ हम्पी पेज 170, सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वॉज यूनिक अबाउट द फोर्टिफिकेशन एंड वाटर मैनेजमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। इन्होंने दो क्वेश्चन की अमालगमेशन आपसे एक साथ पूछ लिया, 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये। पेज नंबर 177 कंप्लीट। मैंने आपको फोटोग्राफ्स दी हुई हैं, पॉइंटर फॉर्म में ये आंसर बना हुआ है। वाटर रिसोर्सेस 4 मार्क्स, फोर्टिफिकेशन 4 मार्क्स, टोटल इट्स एन 8 मार्क क्वेश्चन। बोर्ड में आने के इस साल बहुत चांसेस हैं, पिछले 2-3 सालों से नहीं उठा है, इस साल उठ जाएगा। ठीक है, हाँ 177 पे जितना है सारा लिखना है। ठीक है, 177 सोर्स वन नहीं, सोर्स वगैरह नहीं कर रहे, जो आपको वाटर रिसोर्सेज के अंदर लिखा और जो फोर्टिफिकेशन लिखा है, सोर्स फोर नहीं ऐड होगा, सोर्स फोर अलग से 6 मार्कर क्वेश्चन आता है बोर्ड में। ठीक है, मैंने पॉइंटर्स बना के दिए हैं, फोटो देख लेना, फोटो नहीं हो मुझसे दोबारा ले लेना, मैं फोटो दे दूंगी जाना। ठीक है, क्या ठीक है, तो इसके जो और करके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सारे वही क्वेश्चन है, अलग अलग भाषा में पूछे गए हैं, लैंग्वेज के साथ प्ले होगा, सीबीएसई लैंग्वेज के साथ प्ले करती है। ठीक है, क्योंकि इनके पास डेटा तो वही लिमिटेड है, इस बुक के बाहर से तो कुछ नहीं पूछेंगे, तो बुक के वही क्वेश्चन को अलग अलग भाषाओं में इन्होंने पूछा हुआ है, लैंग्वेज आप देख सकते हो, सेम क्वेश्चन सेम आंसर। फिर थर्ड क्वेश्चन है, रॉयल सेंटर के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में लिखिए, व्हाई रॉयल सेंटर एज अ साउथ वेस्टर्न पार्ट। इसका आंसर आप आ जाइएगा, द रॉयल सेंटर पेज 179 और 180 के ऊपर तक करना है, महानवमी डिब्बा से ऊपर ऊपर। ठीक हाँ अच्छा, रॉयल सेंटर जो है क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स में आता है, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, तो इसका जो आंसर बनेगा वो पेज नंबर 179 के लास्ट पैराग्राफ से लेके 180 के ऊपर की 4 लाइनों तक बनेगा। अगर ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो आपको महानवमी डिब्बा भी लिखना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डिस्क्राइब ब्रीफली व्हाट आर द बिल्डिंग, व्हाट द बिल्डिंग्स दैट सर्वाइव, टेल अस अबाउट द स्पेस, द वेज द स्पेस फॉर ऑर्गेनाइज एंड यूज इन विजयनगर।
तो विजयनगर की बिल्डिंग्स के बारे में पूछा गया है। अब नाउ आपको चार पॉइंट्स लिखने हैं इसमें। इसमें आप ऑडियंस हॉल के बारे में 2 लाइन लिखोगे या 1 पॉइंट लिखोगे, महानवमी डिब्बा के बारे में लिखोगे पेज 180 से, 181 से आप जो है लोटस महल के बारे में 1 लाइन लिखोगे, एक या 2 लाइन, और उसके बाद 183 में हजारा रामा टेम्पल से भी लिखोगे। समझ आया? इन्होंने सारी बिल्डिंग्स पूछी है विजयनगर की। विजयनगर की चार बिल्डिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, ऑडियंस हॉल, महानवमी डिब्बा, लोटस महल और हजारा रामा टेम्पल। समझ आया? पेज 180 से 183 तक एक एक पॉइंट उठेगा, 4 मार्क्स का। अब ये 3 मार्क्स का हो गया, 4 मार्कर्स हट गए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अमरनायका सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट पार्ट, वाई डिड स्ट्रेन बिगेन टू शो विद इन द इम्पीरियल स्ट्रक्चर आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। अब इसमें दो सवाल पूछे गए हैं। पहले हम पहले पार्ट का आंसर करते हैं, अमरनायका सिस्टम। अमरनायका सिस्टम के लिए आप पेज 175 पे आ जाओ। ठीक है, अमरनायका सिस्टम के थर्ड सेकंड पैराग्राफ से आपका ये आंसर शुरू हो जाएगा। यहां से आपको 4 पॉइंट्स उठाने हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7 मैंने बना के दिया हुआ है आपको फोटो में। 4, 5, 6, 7 पॉइंट आपका आंसर है फर्स्ट पार्ट का। सेकेंड पार्ट का आंसर है, वाई डिड स्ट्रेन बिगेन टू शो विद इन द इम्पीरियल स्ट्रक्चर आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राया। इसका आंसर है पेज 173 लास्ट पैराग्राफ से। लास्ट पैराग्राफ के मैंने आपको 4 पॉइंट्स बनाए हुए हैं, जिसमें कृष्णदेव राय के बाद, मरने के बाद जो वहाँ पे रूलर्स आए, वो जो अरावीड़ वगैरह थे वो इतने स्ट्रांग नहीं थे, फिर उनके जो नायकास थे उनके साथ लड़ाई होने लग गई, फिर एक राक्षसी टंगड़ी की बैटल हुई जिसके अंदर सारे जो डेक्कन के सल्तनत के बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर के जो सुल्तान थे वो एक साथ अगेंस्ट हो गए विजयनगर एम्पायर के, और उन्होंने विजयनगर एम्पायर को ख़त्म कर दिया राक्षसी टंगड़ी की बैटल में। ये आपको पेज 173 लास्ट पैराग्राफ से लेना है। इस लास्ट पैराग्राफ की पहली लाइन इसका क्वेश्चन है, स्ट्रेन बिगेन टू शो विद इन द इंपीरियल स्ट्रक्चर फॉलोइंग कृष्णदेव राय डेथ इन 1529। हाँ, इस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही आएंगे। बुक की कोई स्टेटमेंट लाइन उठा ली और क्वेश्चन दे दिया। एक्सप्लेन हाउ द पीपल ऑफ विजयनगर ऑब्टेन्ड वाटर फॉर देयर नीड्स। इसमें आप वाटर रिसोर्सेस सारा लिख दोगे, हम पहले कर चुके हैं। क्वेश्चन 7, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कृष्णदेव रूल। इसके अंदर है कृष्णदेव रूल वॉज करेक्टराइज बाय, ये लाइन देखने दो मुझे, पेज 173 अपॉजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर की 7th लाइन में आपको दिखेगा, कृष्णदेव राय रूल वॉज करेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। ये वाला पूरा पैराग्राफ मैंने 1 एंड 2 पॉइंट बनवाए हुए हैं आपके। मिल गया? ठीक है, मेंशन एनी टू फीचर्स अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर। एक सेकेंड रुकना, लोकेशन ऑफ विजयनगर पे आती हूँ। लोकेशन ऑफ विजयनगर, इसका आंसर है पेज 177 फर्स्ट लाइन।
द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर इज अ नेचुरल बेसिन फॉर्म बाय रिवर तुंगभद्रा विच फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टली डायरेक्शन द सराउंडिंग लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स दैट सीम्स टू फॉर्म अ ग्रिडल अराउंड द सिटी. ये आपको लिखना है. सबसे दो खास बात थी, एक तो यहाँ पर रिवर तुंगभद्रा का सारा पानी आता था, दूसरा यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी उन्होंने ग्रिडल एक तरह का किला बना रखा था. ठीक है, ग्रेनाइट की इनकी हिल्स थी. ये दो खास बात है इसकी लोकेशन की, विजयनगर की. क्वेश्चन नंबर 9, हाउ टैंक्स वर बिल्ट. ये सोर्स नंबर 4 है पेज 177 का. पहला क्वेश्चन है व्हाई, वेयर एंड व्हाई टैंक्स वर बिल्ट बाय कृष्णदेव राय. ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा इन विजयनगर एम्पायर दे बिल्ड द टैंक, पेज 177 सेकंड पैराग्राफ. ये स्टार्टिंग में कर लो, सोर्स की स्टार्टिंग की लाइन ही यही है. द किंग मेड अ टैंक एट द माउथ ऑफ टू हिल्स सो दैट ऑल द वाटर विच कम फ्रॉम ईदर वन साइड और द अदर कलेक्ट देम कलेक्ट देयर कलेक्शन वाटर कलेक्शन वाटर उसके लिए स्टोरेज के लिए बनाते थे. टैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका पूछा गया है. इसमें भी लिखा हुआ है कि तीन लार्ज पिलर्स होते थे जहाँ पे वाटर कलेक्शन होता था. सोर्स के अंदर ही है. प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स, ये आपका जो है पेज 177 से निकलेगा. पेज 177 पे एक है कमलापुरम टैंक और एक है हिरिया कैनाल, उसके बारे में लिखना है आपको. मिल गया, ये इसके ऊपर का ही है. पहली दो लाइनें सोर्स की. द किंग मेड अ टैंक एट द माउथ ऑफ टू हिल्स सो दैट द वाटर व्हिच कम्स फ्रॉम ईदर ऑफ द साइड और द अदर कलेक्ट्स देयर वाटर कलेक्शन वाटर स्टोरेज के लिए. हाँ, इन विजयनगर एम्पायर एट द माउथ ऑफ टू हिल्स ऐसे लिख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 10 हम पहले कर चुके हैं. कृष्णदेव राय रूल वॉज करेक्टराइज बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, ऑलरेडी डन. क्वेश्चन 11, अब्दुल रजाक एंड डोमिनिको पेस वर इम्प्रेस बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर. तो आपको विजयनगर एम्पायर का फोर्टिफिकेशन लिखना है. इतना समझ में आया? हाँ, फोर्टिफिकेशन अकेला आया तो अब तीन नंबर का आएगा. अब तीन नंबर का हो गया ये टॉपिक. अगर वाटर के साथ मिक्स हो गया है तो आठ नंबर का आएगा. मैंने इसके ना दो पार्ट भेजे हैं तुम्हें, सेवेंथ क्वेश्चन सेवन चैप्टर के दो भेजे हैं. अभी मैंने फर्स्ट वाला कराया, सेकंड वाला भी कर लो. आई डोंट नो इसके दो पीडीएफ क्यों बने हुए हैं. सेकेंड पीडीएफ भी कर लो. सेकेंड पीडीएफ मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों का. सेकेंड पीडीएफ करेंगे. पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फोर्टिफिकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर डन. क्वेश्चन 2 भी हम कर चुके हैं, कृष्णदेव राय की डेथ के बाद क्या हुआ, ऑलरेडी डन. थर्ड क्वेश्चन, विट्ठल टेम्पल ऑफ विजयनगर एम्पायर. विट्ठल टेम्पल के लिए आप आएंगे पेज नंबर 188 पे. 188 पेज पे विट्ठल टेम्पल पूरा है. मिल गया. फिर फोर्थ क्वेश्चन हम कर चुके हैं, वाटर रिसोर्सेज का. ये क्वेश्चन 5 के अंदर उन्होंने पूछा है कि विरूपाक्षा टेम्पल में उन्होंने क्या खास किया था, क्या कल्चर वे में खास किया था. इसके लिए आप विरूपाक्षा टेम्पल पे आ जाइएगा. ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, विरूपाक्षा वाला 4 मार्क्स का है. फोर फाइव बने हुए हैं, फोर फोर लिख देना.
देन पेज 185 से शुरू करना विरूपाक्ष टेम्पल का। विरूपाक्ष टेम्पल में ये पूछ रहे हैं कि विजयनगर वालों ने विजयनगर के मंदिरों में क्या खास नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया था। तो उसके अंदर आपको गोपुरम्स के बारे में बताना है कि उन्होंने रॉयल गेटवेज बनवाए थे, बड़े ऊंचे ऊंचे गेट बनवाए थे। तो इसका आंसर पेज 185 से शुरू होता है, 185, 186। पूरा ले लेना, 187 तक भी जाना हो अगर तुम्हारे को याद है तो लिख देना, वैसे ये 6 मार्कर वगैरह बन जाते हैं चलेगा। इसके 4 पॉइंट्स लिखने हैं पर हमारे जो भी बन रहे हैं 5-6 पॉइंट्स बन रहे हैं। पर लिख लेना ये क्वेश्चन 6 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 7 में मैपिंग का अलग से करवाऊंगी, सारी मैपिंग सब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, महानवमी डिब्बा अकेले में 4 नंबर का पूछ लिया है। पेज नंबर 180 पे महानवमी डिब्बा है, यहाँ से 4 पॉइंट्स बना के लिखने। मैंने आपको 6 पॉइंट्स दिए, आपको 4 पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट 4 क्वेश्चन 8। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, विजयनगर वालों की बिल्डिंग्स के बारे में बताना है। ये सेम वही क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने महानवमी डिब्बा, ऑडियंस हॉल हॉल और आपका ये लोटस महल और आपका हजारा नामा टेम्पल। पेज 180, 181, 182, 183, चारों बिल्डिंग्स मेंशन करनी है। इसका क्वेश्चन इसमें है, विजयनगर वॉज करेक्टराइज बाय डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग स्टाइल। एक सेकेंड, इसका क्वेश्चन विद सेक्रेड आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल ऑफ विजयनगर, ठीक है ये लिखना है आपको। विजयनगर वॉज करेक्टराइज बाय डिस्टिंक्टिव बिल्डिंग स्टाइल। एक सेकेंड रुको, बिल्डिंग से इसमें ये आ गई और इसमें गोपुर भी आना चाहिए था। एक सेकेंड, आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल है ना, वो नहीं लिखना बेटा, मैंने गलत बताया। क्वेश्चन 9 का आर्किटेक्चरल स्टाइल पूछा है इन्होंने, पेज 185 पे आ जाना। चार चीजें पुरानी क्वेश्चंस थे, जो रॉयल सेंटर के बारे में क्वेश्चन था, रॉयल सेंटर और उसकी उसके लिए एक टाइम बता। आर्किटेक्चर पूछेंगे तो आपको गोपुरम्स के बारे में लिखना है। वाला बताती हूँ तुम्हें, रॉयल सेंटर वाला जो थर्ड क्वेश्चन था ना, पहले वाला जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें था, रॉयल सेंटर के डिस्क्रिप्शन के बारे में आप क्या जानते हो। ठीक है, अगर वो 8 मार्कर्स आता है या फिर आपको 4 मार्कर में भी आता है तो वो लिखने हैं। रॉयल सेंटर की जो बिल्डिंग्स पूछी गई है, रॉयल सेंटर की, रॉयल सेंटर का मतलब है राजा के महल की बिल्डिंग्स पूछी गई हैं, तो आपको लोटस महल, हजारा नामा वगैरह सब लिखना है। जब आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में स्पेसिफिकली पूछा गया है तो आपको जो है ये गोपुरम, विरूपाक्ष टेम्पल, विट्ठल टेम्पल, ये सारा लिखना है। तो इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है 185 पेज से, 185 गोपुरम, 186 विरूपाक्ष टेम्पल, 2 पॉइंट्स लिखने हैं विरूपाक्ष के, ज्यादा नहीं लिखने, और 188 पे विट्ठल टेम्पल, चैरियट फॉर्म। पहले आप गेटवेज का मेंशन करोगे, विरूपाक्ष के 2 पॉइंट्स और विट्ठल के 2 पॉइंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, किंग्स एंड ट्रेडर्स, किंग्स
किंग्स एंड ट्रेडर्स है आपका सोर्स नंबर 2 पेज 173। ठीक है, इसमें जो है आपको ये बताना है कि घोड़ों की ट्रेडिंग होती थी, मसालों की ट्रेडिंग होती थी, ये सब लिखना है। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन्ड बाय कृष्णदेव राय। तो इसके अंदर ये आपकी सोर्स के अंदर से ली गई है, सेकेंड लाइन से, सेकेंड या थर्ड लाइन से। अ किंग शुड इम्प्रूव द हार्बर ऑफ हिज कंट्री एंड सो एनकरेज इट्स कॉमर्स दैट हॉर्सेस एलिफेंट्स प्रीशियस जेम्स सैंडलवुड पर्ल्स एंड अदर आर्टिकल्स आर फ्रीली इम्पोर्टेड। ही शुड अरेंज दैट फॉरन सेलर्स हु लैंड इन हिज कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ स्टॉर्म इलनेस एंड एग्जॉशन आर लुक फॉर इन अ सूटेबल मैनर। यस, पेज नंबर 173, सोर्स नंबर 2। उसकी जो आपका सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है ना, अ किंग शुड इम्प्रूव वाला, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग्स। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, इन व्हाट वे इज कृष्ण देव राय प्रोटेक्टेड आर्टिकल्स फ्रॉम गोइंग टू हिज एनिमीज। एनिमीज पे जाने से पहले इसका मैं देखती हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय कैसे मेंटेन करते थे कि उनके जो आर्टिकल्स हैं, उनके जो एरिया का सामान है, वो उनके दुश्मन तक ना जाए। इसके लिए वो हाथी और घोड़ों को इंपोर्ट करते थे। लास्ट की दो तीन लाइन है, तीन चार लाइन है। तो वो अपनी आर्मी को इतना स्ट्रांग रखते थे कि कोई उनका सामान ना लेके जा सके, जिसके अंदर वो हाथी और घोड़ों को भी रखा करते थे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय द किंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हिज कंट्री। इसके लिए उन्होंने वाटर की अवेलेबिलिटी कराई, उन्होंने बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर्स बनवाए, ये सब आप लिख सकते हो। बैटरी खत्म होने वाली है, पहचाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 महानवमी डिब्बा के ऊपर है। फिर से आप महानवमी डिब्बा के बारे में लिखेंगे, चार पॉइंट्स। नेक्स्ट सोर्स है, ये 2018 में आखिरी बार आया था, कॉलिन मैकेंजी के ऊपर। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर सोर्स 1 पेज 171, कॉलिन मैकेंजी। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? ही वॉज सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। ही वॉज ऑल्सो, क्या नाम था इनका, एंटीक्वेटेरियन, एंटीक्वेरियन इंजीनियर, ये सब थे। मेंशन दैट व्हाट मैकेंजी डिड टू मेक गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी ईजियर। तो वो जगह जगह जाके डेटा कलेक्ट करते थे। ठीक है, ये इसी पैराग्राफ सोर्स के अंदर लास्ट 6-7 लाइनों में लिखा है। बाय स्टडिंग विजयनगर मैकेंजी बिलीव दैट ईस्ट इंडिया कंपनी कुड गेन मच यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऑन द मेनी ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, और वहाँ के लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये अलग अलग जगह पे जाके उसकी हिस्ट्री कलेक्ट किया जाता था। ये थर्ड पार्ट का आंसर है वैसे। सेकेंड पार्ट का आंसर इसका फोर्थ फिफ्थ लाइन से है। ही एम्बार्क ऑन कलेक्टिंग लोकल हिस्ट्री एंड सर्वेइंग हिस्टोरिकल साइट्स इन ऑर्डर टू बेटर अंडरस्टैंड इंडियाज पास्ट एंड मेक गवर्नेंस ऑफ द कॉलोनी ईजियर। मिला? पहली तीन चार लाइन है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट तीन चार लाइन है सेकंड क्वेश्चन का आंसर, उससे नेक्स्ट तीन चार लाइन है थर्ड क्वेश्चन का आंसर। सारा सोर्स यूज होगा। क्वेश्चन 13, व्हाई वाज साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ विजयनगर सेटलमेंट डेजिग्नेटेड एज द रॉयल सेंटर। ये था रॉयल सेंटर 179। इसका फर्स्ट पैराग्राफ इसका एग्जैक्ट आंसर है। नहीं, ये 8 मार्कर का क्वेश्चन है, तो उसके अंदर आप ये सारा लिखोगे और महानवमी डिब्बा और ऑडियंस हॉल सब लिखोगे। साउथ वेस्ट एरिया इसलिए चुना था, वहां पे सबसे ज्यादा मंदिर थे।
और मंदिर को पैटर्नेज देने के लिए, अपना नाम देने के लिए इन्होंने वो एरिया चुना था। क्योंकि वहां पे 60 टेंपल्स पड़ते थे। उसके बाद क्वेश्चन 14 इस चैप्टर का नहीं है, छोड़ देना। किंग्स एंड ट्रेडर्स हमने कर लिया, ये दोबारा है। क्वेश्चन 16 फिर से फोर्टिफिकेशन के ऊपर है। क्वेश्चन 17 विच डायनेस्टी कृष्णदेव राय बिलोंग टू, ही बिलोंग टू तुलवा डायनेस्टी। इसका आंसर है पेज नंबर 173, अपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। थर्ड लाइन से, द फर्स्ट डायनेस्टी केम वॉज संगमा, संगमा के बाद सुलवा, सुलवा के बाद तुलवा। कृष्णदेव राय तुलवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और उनके एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के बारे में लिखना है। ये सारे नीचे का जो पैराग्राफ है ये आपको मेंशन करना है। ये जो अपोजी एंड डिक्लाइन का फर्स्ट टू पैराग्राफ है आपको ही लिखना है, लास्ट पैरा नहीं लिखना। क्वेश्चन 18 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 19, फाइव स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द लोकेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। इसके अंदर अब आपको क्या करना है, पेज नंबर 177, फाइव स्ट्राइकिंग फीचर्स देने हैं। तो इसमें सबसे पहले 177 पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ वाटर रिसोर्सेज का लिखना है, उसके बाद 2 पॉइंट्स वाटर रिसोर्सेज के लिखने हैं और 2 पॉइंट्स फोर्टिफिकेशन के लिखने हैं। समझ आया? वीडियो में बना रही हूँ, वीडियो में अपलोड कर दूंगी इसकी, ताकि जब तुम आंसर्स करने लगो, ढूंढने लगो, तो तुम्हें याद रहे कहाँ से क्या करना है, वीडियो से कर सको कनेक्ट। ठीक है, हाँ इसकी भी वीडियो बना रही हूँ, अपलोड कर दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन 21, हाउ एंड व्हेन वर द रियूज ऑफ हम्पी ब्रॉट टू द लाइट। पेज नंबर 170 फर्स्ट पैराग्राफ, वही वाला हम्पी वाला पैराग्राफ, 4 मार्क्स का है, पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन 22 फिर से वही एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, पेज 173। क्वेश्चन 23 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 24 हम कर चुके हैं। 25 हम कर चुके हैं। 26, 27 हम कर चुके हैं। 28, अच्छा ये उसका वो अमैलगमेशन कर दिया इन्होंने, इसके अंदर आप सीधे आ जाना। वाटर नीड्स हो गया है, हम्पी की वो हो गई है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंडेशन में आ गया है, महानवमी डिब्बा हो गया है। क्वेश्चन 32 पे आना डायरेक्ट। क्वेश्चन 32, हाईलाइट एनी फोर एस्पेक्ट ऑब्जर्व बाय पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा ऑन द अर्बन कोर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अर्बन कोर का क्वेश्चन, ये आंसर है पेज नंबर 179 पे। 179 सेकेंड पैराग्राफ, द 16th सेंचुरी पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा डिस्क्राइब द हाउस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल विच हैव नॉट सर्वाइव द अदर हाउस ऑफ द पीपल। ये दोनों पैराग्राफ आपको करने हैं, मिल गया? सिक्सटीन सेंचुरी में यहाँ पे आपका पोर्चुगीज ट्रैवलर बारबोसा आया, उसने यहाँ के शहरों के बारे में स्टडी करा एंड इसने देखा कि काफी सारे घर जो है सर्वाइव नहीं कर पाए, तो हो सकता है वो मिट्टी के, भूसे के, लकड़ी के बने हों, जो वो सर्वाइव नहीं कर पाए, खत्म हो गए। और यहाँ पे जो घर थे वो जात आपके काम के हिसाब से बने हुए थे, लोहे का काम करने वालों का एक गांव, शहरों का काम करने, सॉरी लोहे का काम करने वाले लोगों का एक इलाका हो गया,
सोने के काम करने वालों का एक इलाका हो गया, मिट्टी का काम करने वालों का एक इलाका हो गया। तो घर जो है आपके ऑक्यूपेशन के हिसाब से बने हुए थे, साथ में काफी सारे ओपन प्लेसेस थे जहाँ पे लोग इकट्ठे बैठे हुआ करते थे, बातें करते थे। इसके अलावा बहुत सारे हमें यहाँ पे छोटे छोटे मंदिर मिले शहरों के अंदर, जिससे पता चलता है कि बहुत तरीके के कल्चर्स यहाँ पे चलते थे। डिफरेंट डिफरेंट देवी देवताओं को यहाँ पे माना जाता था। यहाँ पे हर घर के पास कुएं मिले हैं, यहाँ पे वाटर स्टोरेज टैंक्स मिले हैं जहाँ पे माना जाता था कि लोग पानी को सेव किया जा करते थे। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे कुएं मिले हैं, वाटर सेविंग टैंक्स मिले हैं, ये सारा इनका अर्बन कोर का देखना है, बारबोसा ने जो नोटिस किया। समझ आया? ठीक है, फिर से वही क्वेश्चंस का एडिशन हो गया नीचे। ये सारे हम कर चुके हैं, मैं पहले वाला वो फोल्डर हटा देती हूँ। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर हो गया है। ठीक है,